हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास लाइट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि ये पेज है, इसमें बैकग्राउंड लाइट है, तो इसको डार्क कैसे करते हैं, तो उसकी सेटिंग कैसे करी जाएगी। तो ये पेज है हमारे पास, आप देख सकते हैं इसमें जो बैकग्राउंड है वो लाइट है, तो हम इसको डार्क में कैसे करना है, कि हम इसको सेटिंग रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आप दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो सेटिंग, स्कैन सेटिंग एंड प्रिंटिंग सेटिंग, और एक होती है इसकी सेटिंग में जाके एडिशनल फंक्शन को प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी। 28 को एक साथ प्रेस करेंगे और फिर एडिशनल फंक्शन, ये आ जाता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ऐसा कि आप देख सकते हैं, कॉपीर पे क्लिक करेंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें एडजस्ट में जाएंगे। यहाँ पे एक अलग अलग फंक्शन दिए हैं, तो ये डेवलप पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी सेटिंग है ये 00 की हुई है, आप यहाँ पे 50 कर सकते हैं, क्लिक करेंगे डेवलप सेटिंग पे 50 हम यहाँ से प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद ओके प्रेस करना है। एक बार यहाँ पे 50 आ जाएगा, उसके बाद फिर ओके प्रेस करना है, ये सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद आपको दो बार रीसेट दबाना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो दोबारा चेक कर सकते हैं, एडिशनल फंक्शन को प्रेस कीजिए, 2 और 8 को प्रेस कीजिए एंड उसके बाद आप दोबारा एडिशनल फंक्शन को प्रेस करेंगे। कॉपीर में जाएंगे, एडजस्ट में, डेवलप, आप देख सकते हैं यहाँ पे 50-50। तो आप यहाँ से भी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और प्रेस करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, कमांड देंगे, तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसका और जो हमने पेज रखा था, इन दोनों पेज का डिफरेंस देख सकते हैं, इसमें डार्कनेस कितना आया हुआ है और ये लाइट है। ये NIOS चेक कर सकते हैं और इधर देख सकते हैं, आप ऐसे किसी भी लाइट डॉक्यूमेंट को डार्क कर सकते हैं। और अगर आप फिर से उसको लाइट करना चाहते हैं तो वही सेम प्रोसेस दोहराएंगे, कॉपीज पर जाके एडजस्ट, डेवलप, आप यहाँ पे 10 रख सकते हैं नॉर्मली, अगर आपका ज़्यादा नहीं है तो आप इसको 10 रख सकते हैं, 10 इज़ बेटर फॉर सिंपल डॉक्यूमेंट। तो इस प्रकार से आप इसको डेवलप को बढ़ा या घटा सकते हैं और अपने प्रिंट को अपना मनचाहा प्रिंट निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।